नर्मदा तट पर नर्मदा जयंती की धूम रही। सभी घाटों पर नर्मदा जयंती धूमधाम से मनाई गई। कहते हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नर्मदा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को नर्मदा जयंती या नर्मदा प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नर्मदा के धरती पर आगमन को लेकर कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार नर्मदा शिव की पुत्री हैं, जिन्हें अविनाशी होने के वरदान के साथ स्वयं भगवान शिव ने धरती पर भेजा था। एक अन्य मान्यता के अनुसार अमरकंटक की पहाड़ी पर ध्यान में लीन भगवान शंकर के पसीने की बूंदों से नर्मदा नदी का जन्म हुआ। इसी श्रृंखला में गढ़वारा में नर्मदा पदयात्रा समिति द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया गया। नगर में जगह जगह पदयात्रियों के स्वागत की व्यवस्था समाज सेवियों ने की। यात्रा में सभी वर्ग के लोगों ने अपना योगदान दिया। उसके बाद सभी ने नर्मदा के ककरा घाट पर महाआरती का आयोजन किया। यह नर्मदा क्षेत्र है। गुप्त नवरात्रि की सप्तमी पे माँ नर्मदा जी का जन्म उत्सव प्रकट उत्सव मनाया जाता है। इस क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से लाखों की संख्या में लोग पैदल नर्मदा माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। सभी को नर्मदा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वच्छता बनाए रखें, माँ नर्मदा की मर्यादाएं बनाए रखें। माँ नर्मदा में जितना अधिक से अधिक हो श्रमदान कर उसकी स्वच्छता और मर्यादा का विशेष ध्यान रखें, ऐसा निवेदन करता हूँ। इसी के साथ नर्मदा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गढ़वारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।